दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में टेक्सिम ओ सिरप के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम काम आती है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा, देखिए टेक्सिम ओ सिरप एक ब्रांड नेम है एलकेम कंपनी का। एलकेम कंपनी बनाती है, लगभग हर दवाई दुकान पर आसानी से मिल जाती है, तो ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता। दोस्तों इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात में कहाँ दी जाती है, तो दोस्तों ये छोटे बच्चों में दी जाती है। अगर कोई बच्चा एक साल से लेकर दो साल तक का है या एक साल से थोड़ा छोटा है तो वहाँ इसका यूज करने के लिए डॉक्टर देते हैं। छः महीने से बड़े बच्चे में भी दे सकते हैं। कहाँ दी जाती है, ये पीने की सिरप आती है, ड्राई सिरप आती है, ठीक है। इसको बनाना पड़ता है, थोड़ा बॉयल पानी डालकर बनाना पड़ता है। इसके अंदर सूखा पाउडर आता है, इसके अंदर आता है दोस्तों सिफेक्सिम, सिफेक्सिम 50 मिलीग्राम जो कि एचवन ड्रग होता है, डॉक्टर की देख रेख में दिया जाता है और लिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, कई बार दोस्तों बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम के कारण बच्चे को कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि नमोनिया बन जाता है बच्चे के नमोनिया हो जाता है, बच्चे के बहुत ज़्यादा कफ बन जाता है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा बलगम रहता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइटनेस महसूस होती है बच्चे के, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कब बनता है, तो वहाँ दी जाती है, गीली खांसी में दी जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों कोल्ड की प्रॉब्लम है, जुकाम की प्रॉब्लम है, नाक से पानी आ रहा है, नाक बंद रहता है बच्चे का, गले में इन्फेक्शन है, तो वहाँ भी दे सकते हैं। अगर वायरल है बच्चे के, बहुत ज़्यादा बुखार है, बुखार को कम करने के लिए भी एंटीबायोटिक के रूप में ये दिया जाता है। आँख में इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है, वहाँ पर भी डॉक्टर दे सकते हैं। बात करें किस तरह से काम करता है, तो दोस्तों इसके अंदर सिफेक्सिम है 50 मिलीग्राम, सिफेक्सिम एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है, बैक्टीरिया किलर होता है, बैक्टीरिया खत्म करता है, साथ ही साथ ये उन प्रोटीन्स को बनने से रोकता है जिन प्रोटीन को खाकर बैक्टीरिया जीवित रहते हैं, जिससे कि वो सारे सारे एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। बात करें भाई डोज के बारे में, तो दोस्तों डोज जो होती है कैलकुलेटेड होती है, बच्चे की उम्र देख के, उसका बॉडी वेट देख के डॉक्टर ही बताते हैं। वैसे नॉर्मल डोज होती है, अगर कोई बच्चा एक साल से बड़ा है तो 5-5 ml दिन में 2 बार ले सकता है खाने के बाद। जाने साइड इफेक्ट के बारे में, तो हो सकते हैं एलोपैथिक मेडिसिन है, जैसे कि बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, बच्चे की नींद आने दिक्कत हो सकती है, बच्चे की वोमिटिंग वगैरह, डायरिया हो जाता है, बच्चे के लूज मोशन लग सकते हैं, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हर किसी बच्चे को नहीं होते, बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। सावधानी यही है कि डॉक्टर की सलाह से लेना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। देने के बाद अगर बच्चे को साइड इफेक्ट हो भी जाए तो तुरंत डॉक्टर को बताना है। तो ये था संपूर्ण रिव्यू, वीडियो को लगा कौन से बताइएगा, कुछ भी समझा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं।